हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजरी मॉम्स किचन। आज एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए। तो आप फ्रेंड्स, आज मैं मखाना कतली आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 बाउल के करीब मखाने लिए हैं। उसी से 1/2 बाउल के करीब मैंने चीनी लिया हुआ है। ये खरबूजे के बीज मैंने 2 स्पून लिए हैं। ये पोस्ता दाना है जो कि मैंने 1 स्पून लिया हुआ है। ये नारियल का बूरा है जो कि मार्केट में आपको मिल जाएगा, मैंने करीब 3 स्पून लिया है। और ये मावा है जो मैंने मिल्क पाउडर से बनाया, आप चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं। ये करीब थोड़ा सा लिया मैंने बाइंडिंग के लिए लिया है, जो कि ये जब मैं कतली बनाऊंगी तो बाइंडिंग का काम करेगा। और यहाँ पर मैंने 4 स्पून के करीब ये देसी घी लिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और इसमें मैं करीब 2 स्पून के करीब घी डालूंगी। घी हमारा गर्म हो चुका है और ये जो मखाने मैंने लिया है इनको क्रंची करके इसमें चलाते हुए हमको क्रंची करना है। इनको तब तक क्रंची करना है जब तक ये हाथ से अपने आप से टूटने लगे। देखिए अभी ये टूट नहीं रहे, अभी सॉफ्ट है। जब ये अच्छे से क्रंची हो जाएंगे तो अपने आप से ये टूटने लगेंगे। तो यहाँ मेरे मखाने क्रंची हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये आराम से इस तरह से टूट रहा है, इसका मतलब कि ये क्रंची हो चुके हैं। और मुझे इनका एक हल्का सा पाउडर रेडी करना है, बहुत ज्यादा महीन पाउडर नहीं रेडी करना है। या तो चाहे मिक्सी से द्वारा इसको कर सकते हैं या इससे कूट करके कर सकते हैं। इसी तरह हम ये अपने बीज रोस्ट कर लेंगे, इनको ये पोस्ता दाना इसी के साथ रोस्ट कर लेंगे। इसी में हम नारियल को भी इसे रोस्ट कर लेंगे हल्का हल्का, बहुत ज्यादा नहीं करना वरना ये जल जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा महीन है। इसे हल्का हल्का सा गैस ऑफ करके इसको रोस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये सभी रोस्ट हो गया। इसको भी हम जिसे मखाने निकाले थे उसी बॉल में निकाल लेंगे, कहीं अलग से निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका हम एक हल्का सा पाउडर रेडी करेंगे। तो इसी के साथ इनको भी निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब मैंने ये पानी लिया हुआ है और इसी में हम अपनी चीनी जो मैंने ये ली है इसको डाल देंगे और इसको डिजॉल्व होने के लिए धीरे धीरे चलाते रहेंगे। हमको एक चिपचिपी चाशनी रेडी करनी है जिससे कि हमारे ये जो मखाने मावा है वो अच्छे से इसमें डिजॉल्व होकर के अच्छे से एक कतली बन जाएगी। तो यहाँ पर मेरी जब तक चीनी मेल्ट हो रही है गैस के फ्लेम को सिम कर देंगे और इसको थोड़ा बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं मखाने के अपने इस तरह से दबा दबा कर एक पाउडर रेडी कर लूंगी। आप देख सकते हैं इस तरह से, हाथ से भी आप इस तरह से दबा करके तोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें ये रेडी करना है। थोड़ा सा और महीन कर लेना, ये जो बड़े बड़े दाने हैं इनको भी इसी तरह महीन रेडी कर लेना है। और यहाँ पर मेरी चाशनी रेडी हो रही है, थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, तब तक इसको प्रिपेयर करना। जैसे एक रसगुल्ले की चाशनी होती है, मैंने अपने वीडियो में रसगुल्ले की चाशनी बनाना आपको बताया, रसगुल्ले बनाना बताया, आप जाकर देख सकते हैं। एक तार की चाशनी बनाना है, बस उसी तरह इसको प्रिपेयर करना है। यहाँ पर मैंने पोस्ता दाने और नारियल खरबूजे के बीज, नारियल का चूरा और मखाने ये सारे मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पर मैंने ये देखिए चाशनी भी रेडी हो चुकी है, आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं एक तार बन रहा है। इसी तरह की मुझे प्रिपेयर करना है। और यहाँ जो मैंने ये मावा लिया था हमको इसी में डाल देना है और इसको थोड़ा सा मेल्ट कर देना है, इसी में दबाते-दबाते इस तरह से मेल्ट कर देना है। फिर इसके बाद ये जो मैंने मखाने का रेडी किया है पाउडर उसमें डालना है। इसको चाशनी में डाल देंगे इस तरह से। इसको बराबर चलाते रहेंगे जब तक एक जगह खट्टा नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी हम इसको चेक कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा निकालेंगे
इसको देखेंगे कि इसके अगर जो एक बाउल जैसी बन जाती है छोटी सी, तो इसका मतलब ये परफेक्ट है। ये देखिए, ये ठंडा होने के बाद आप चेक करिएगा। यहाँ पर मैंने इसको अभी डाला है, पहले मैंने इसको डाला था, चेक किया इस तरह से, तो आप देख सकते हैं इस तरह से गोली बन जाती है, इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करिए जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी 2 से 3 मिनट इसको मैं और चलाऊंगी। फ्रेंड्स ये जो मावा होता है और ये पाव होता है मेवे का, इसमें बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं। आप चाहे तो काजू भी डाल सकते हैं, और जो आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं, जो कि जन्माष्टमी कृष्ण जी को बहुत पसंद होता है। आप इसका भोग जरूर लगाइएगा, एक बार जरूर घर में आप बनाइएगा इस तरह से। तो देखिए एक जगह ये कलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, ये रेडी है। हमें एक उसमें ट्रे में निकालने के लिए, यहाँ पर एक मैं फॉयल पेपर ले लेती हूँ इस तरह से, और इसको इसमें ट्रांसफर कर लूंगी। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस तरह निकालेगा और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तो हम इसको परफेक्ट तरह इस तरह से इसमें जमा देंगे। तो अभी इसको 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। ये 10 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको इस तरह से फॉयल पेपर से इस तरह से फोल्ड करके मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी कम से कम 20 to 30 मिनट्स के लिए। जब तक ये सेट अच्छे से नहीं हो जाता मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। तो करीब 20 मिनट्स हो चुके हैं, आइए चेक करते हैं इसको खोल करके कि हमारी ये सेट हुई कि नहीं। तो ये देखिए बहुत हल्का हल्का ये गर्म है भी, लेकिन ये सेट हो चुका है। अब मैं इसके पीसेस निकाल लेती हूँ इस तरह से कट करके। चौकोर आप लंबे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसके पीसेस कर सकते हैं। देख सकते हैं ये पीसेस हो गए इस तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं, डिलीशियस लग रहे हैं। आप एक घर में एक बार जरूर घर में ट्राई जरूर करिएगा आप मखाने की कटली। यहाँ पर मैंने सारे पीसेस निकाल लिए हैं, हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़े से बादाम के पीसेस इसमें लगाऊंगी, इस तरह से आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 ड्रॉप से करीब फूड कलर लिया हुआ है, रेड फूड कलर है, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया मैंने, और इस तरह से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं आप। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी मखाना कतली बनकर रेडी हो चुकी है। तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप ये चाहे बादाम इनको पीसेज जिनको छोटे छोटे से पीसेस कट करके भी इसमें लगा सकते हैं, आप चाहे तो सिल्वर पेपर इसमें लगा सकते हैं, चांदी वर्क लगा सकते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट है आप कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं मखाने कतली को। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।